So guys, आज की वीडियो में मैं जाने वाली हूँ बेस्ट रिव्यूड ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट के पास एंड मेरी इस आलू जैसी अंडे जैसी शक्ल को मैं एक दुल्हन में ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ। तो क्या आप देखना चाहोगे सारे स्टेप्स? तो यार चलिए विदाउट एनी मोर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाइट वाइप से मेरी स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा ताकि मेरी स्किन में बिल्कुल भी धूल मिट्टी ऑयल कुछ भी ना रहे एंड स्किन मेकअप के लिए एकदम तैयार हो जाए। एंड देन मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद वो सबसे पहले मेरे आईब्राउज को फिल करेगा। एंड पता नहीं यार मैं क्यों ऐसे पागलों जैसे मुंह बनाती रहती हूँ, बट अभी मैं शांत रह के अच्छे से मेरे आईब्राउज को करवाने वाली हूँ क्योंकि मेरे दोनों आईब्राउज बिल्कुल ही दो टाइप के हैं यार, और इनको अच्छे से फिलअप करना मुश्किल ही नहीं ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ठीक है। बट फिर भी उसने बहुत अच्छे से मेरे आईब्राउज को फिलअप किया। एंड नाउ वो एक कंसीलर लेगा एंड कंसीलर के हेल्प से मेरे आईब्राउज को बहुत ही अच्छे से शेप करेगा एंड बहुत क्लीन एंड क्लियर बनाएगा। एंड नाउ वो मेरे आईज के ऊपर आई शेडो के लिए बेस अप्लाई करेगा ताकि आई शेडो अप्लाई करते वक्त बहुत ही ज्यादा अच्छा और प्रोमिनेंट दिखे। एंड नाउ वो उसको अच्छे से एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू ब्लेंड कर लेगा सारा कुछ। और गाइस आप तो देख ही रहे हो कि मेरी आईब्राउज कितनी ज्यादा शार्प लग रही है। एंड लास्ट में वो एक वेट वाइप लेके जहां पे भी मुझे क्लीनिंग की जरूरत है वो क्लीन कर लेगा। सो नाउ वो मेरी आई शेडो बेस को अच्छे से पाउडर के साथ सेट कर देगा ताकि ये बिल्कुल ही इंटैक्ट रहे एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग बन जाए हमारा आई मेकअप। सो नाउ सबसे पहले वो एक हाईलाइटर शेड लेके मेरी आईब्राउ बोन में अप्लाई करेगा एकदम आईब्राउज के नीचे ताकि ये जगह बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाए एंड बहुत ही ब्लिंगी ब्लिंगी लगे। एंड नाउ वो एक वार्म ब्राउन कलर लेके मेरी आईज की क्रीज पे अप्लाई करेगा, इससे सारे कलर्स को ब्लेंड करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो नाउ वो एक रेडिश ब्राउनिश कलर लेगा एंड ये काफ़ी मेरी साड़ी के साथ मैच भी कर रहा था ये कलर, तो इसको लेके वो मेरे क्रीज पे अप्लाई करेगा एंड पहले वाले कलर के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देगा। तो इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद वो फिर से कंसीलर लेगा एंड मेरी आईज पे हेलो आईज बनाने के लिए बिल्कुल आईज की सेंटर पोर्शन में कटक्रीज टाइप का बनाएगा, बट फुल कटक्रीज ही नहीं है गाइज, ये हेलो आईज है। तो पता नहीं मैं यहाँ पे किसको उंगली दिखा रही हूँ, क्या क्या बातें करती रहती हूँ मैं यार, मुझे भी पता नहीं है। सो नाउ वो एक गोल्डन कलर के शिमरी आई शेडो लेके वो कंसीलर के ऊपर अच्छे से अप्लाई करेगा ताकि बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड लगे ये। एंड आप तो देख ही सकते हो अभी से मेरा आई मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। सो नाउ वो एक पर्पल कलर लेगा एंड इसको भी मेरे इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर के साथ ब्लेंड कर देगा। एंड यहाँ पे मैं यार क्या करती हूँ मैं यहाँ पे बिस्किट क्यों खा रही हूँ? देखो यार कभी भी कोई भी दुल्हन ऐसी होती होगी कि मेकअप करवाने जाके वो ऐसे बिस्किट खाती होगी, मैं तो यही करती हूँ भाई, भूखर दुल्हन। सो आई मेकअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है गाइस। सो नाउ वो मेरे अंडर आईज पे काजल अप्लाई करेगा क्योंकि काजल तो ब्राइडल मेकअप के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है, ये तो आपके आई मेकअप को ना चार चांद लगा देता है।
सो काजल भी बहुत ही अच्छे से वो मेरे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करेगा। एंड अभी लग रहा है हमारा आई लाइनर, एंड उसने जेल आई लाइनर यूज किया है ताकि ये बहुत ज्यादा ही लॉन्ग लास्टिंग रहे। एंड नाउ उसने जो भी आई शेडोज यूज किया था उसी के हेल्प से मेरी काजल को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देगा। एंड इसके बाद उसने मेरी इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई किया है ताकि मेरी आईज बिल्कुल ही चमकीली लगे। सो नाउ सारे फॉल आउट को क्लीन कर लिया जा रहा है ताकि हमारे बेस बिल्कुल ही अच्छे से अप्लाई हो जाए एंड बिल्कुल भी आई शेडो की फॉल आउट ना रह जाए। एंड लास्टली आई मेकअप को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के लिए लगाया जा रहा है मस्कारा। सो अभी यहाँ पे वो मेरा बेस करने के लिए सबसे पहले लगा रहा है कलर करेक्टर, जैसे कि मेरी मूंछ पे, मेरी अंडर आई एरिया पे। एंड आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये क्या हो गया, मेरा फेस तो कितना अच्छा था, ये तो अभी मैं बंदर जैसी लग रही हूँ, लाल लाल बिल्कुल मुंह हो गया मेरा। बट कोई बात नहीं गाइस, आप बस देखो ये ब्लेंड करने के बाद जब मेरा बेस लग जाएगा तब कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। सो अभी मेरे फेस के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है क्रीम बेस्ड फाउंडेशन। यार क्रीम का नाम सुनते ही मेरे को भूख लग गया, सोच सकते हो। बट आप देखो कितना सारा फाउंडेशन लगाया जा रहा है यार मेरे पे, मतलब अगर सच्ची में कोई मुझे ऐसे देखेगा, ठीक है ऐसे देखेगा, तो उसको तो बिल्कुल ही धोखा हो जाएगा यार, क्योंकि इतना सारा फाउंडेशन है मेरे फेस के ऊपर कि मैं तो बिल्कुल ही एकदम डॉल जैसी लगने वाली हूँ। ऐसा लगने वाला है कि मेरे फेस पे कुछ है ही नहीं, इतना सुंदर मेरा बिल्कुल अच्छा वाला स्किन है, डॉल जैसा है ना, लगेगा ना। एंड ब्लेंड करने के लिए ये वाला क्रिसमस ट्री वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है उसने, यार कितना क्यूट था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना पड़ता है ताकि जितना फाउंडेशन हमने लगाया है ना वो बिल्कुल भी ज़्यादा ज़्यादा ना लगे और उठ के ना आए, बिल्कुल स्किन के साथ मिक्स होके ब्लेंड होके आपका नेचुरल स्किन जैसा ही दिखे। सो गाइस आप तो देख ही सकते हो उसने इतना अच्छे से ब्लेंड किया कि मेरा स्किन कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है अभी से एंड कितना नेचुरल टाइप का लग रहा है फिनिश। तो नाउ वो एक क्रीम कॉन्टोर लेके मेरे फेस को अच्छे से कॉन्टोर करेगा ताकि मेरे फेस की जो भी फीचर्स हैं वो थोड़ा बहुत दिखे, क्योंकि मेरा फेस बिल्कुल ही गोल मटोल आलू जैसा है, मेरे फेस के कोई भी फीचर्स दिखते नहीं हैं, ठीक है ना, इसलिए वो अच्छे से कॉन्टोर कर रहा है। और मेरी समोसा जैसी पकौड़ा जैसी नोज को तो कॉन्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यार, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर उसने अच्छे से मेरे फेस को कॉन्टोर कर लिया। एंड यहाँ पे मुझे किसी ने कॉल कर दिया, बट आई स्वेयर यार मेरा बॉयफ्रेंड ने कॉल नहीं किया था, कोई कंपनी ने ही किया होगा, ठीक है मेरे को कोई याद नहीं करता कंपनी के सिवा। और यहाँ पे वो मेरी मेकअप मतलब कि कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड कर देगा ताकि बिल्कुल ही नेचुरल लगे, अलग से कॉन्टोरिंग मैंने किया है वो ना दिखे, क्योंकि मुझे ना हार्श कॉन्टोरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छे से कॉन्टोर बिल्कुल ही ब्लेंड हो गया है। एंड नाउ वो एक कंसीलर अप्लाई करेगा मेरी अंडर आईज पे और फेस की सेंटर पोर्शन में, जिस भी जगह पे हमें थोड़ा सा हाईलाइट की ज़रूरत होती है। एंड ये कंसीलर तो बिल्कुल ही मेरी स्किन से मैच कर गया, ठीक है ना। एंड इसको भी वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देगा। तो कंसीलर अप्लाई करने के बाद हमारे बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, अच्छे से सेट करने के लिए वो बहुत सारा पाउडर लगा के बेकिंग करेगा, क्योंकि बेकिंग करने से ना हमारे स्किन में बिल्कुल ही फाउंडेशन कंसीलर सब कुछ सेट हो जाता है एंड साथ ही में मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, साथ ही में स्वेटिंग भी ज़्यादा नहीं होता, मतलब पसीने नहीं आते ज़्यादा। तो बहुत अच्छे से वो बेकिंग करेगा मेरी फुल फेस को। एंड बेकिंग करने के बाद हम अपना आई मेकअप भी थोड़ा बहुत जितना भी बाकी था वो कंप्लीट कर लेंगे ताकि इसका जो फॉल आउट है वो पाउडर के ऊपर ही गिरे एंड हमारा बेस बिल्कुल ख़राब ना हो। तो गाइस ये पाउडर कॉन्टोर से थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही कम कॉन्टोर किया जा रहा है मेरे फेस को ताकि थोड़ा बहुत शेप भी दिख जाए और ऐसा भी ना लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्टोर किया है ना, बिल्कुल नेचुरली। मेरी नोज़ इतनी सुंदर है,
बिल्कुल नेचुरली, मैं इतनी पतली हूँ यार, मेरी फेस तो बिल्कुल मोटी नहीं है। तो नाउ वो मेरे बेकिंग को फेस से हटा देगा एंड अभी मेरा जो बेस बन गया है ना वो बहुत देर के लिए लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। मतलब सच्ची में बोल रही हूँ, मैंने इसी मेकअप करके मैंने 24 आवर्स ब्राइड वाला वीडियो भी बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना यार, पूरा वीडियो में मेरा मेकअप बिल्कुल इंटैक्ट था। तो नाउ उसने मेरे फेस पे ब्लश अप्लाई कर दिया एंड नाउ एक मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगा के मेरे बेस मेकअप को, आई मेकअप को बहुत अच्छे से सेट भी कर दिया है उसने। सो नाउ बारी आती है ग्लो ग्लो की, मतलब कि हाइलाइटर की। आप देखो यार मेरा स्किन अभी इतना ज़्यादा ग्लो करेगा ना, मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, मेरे को तो हाइलाइटर लगाना बहुत पसंद है। तो बस देख रहे हो ना मैं कितना खुश हो रही हूँ हाइलाइटर लगाते वक्त। सो यार हमारा बेस मेकअप भी बिल्कुल कंप्लीट है एंड नाउ वो मेरे लिप्स पे रेड लिपस्टिक लगा रहा है क्योंकि रेड मेरे साड़ी से बिल्कुल ही मैचिंग है। एंड नाउ बंगाली ब्राइडल मेकअप पे बारी आती है बिंदी की एंड ओह माय गॉड, ये क्या हो गया यार, ये कैसी बिंदी है, मैं तो सच्ची में डर गई, इतना बड़ा बिंदी कौन पहनती होगी यार, कौन पहनती होगी। वो बस मजाक कर रहा था। तो अभी हम पहनने वाले हैं एक मीडियम साइज की बिंदी एंड हमारा जो बिंदी आर्ट है जो बंगाली ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है करना, वो भी कर लिया गया है। आप देख सकते हो कितना प्रिटी वाला आर्ट है ना। एंड नाउ मैं ज्वेलरीज पहन लूँगी, इतना नौटंकी करके मैं क्यों ज्वेलरीज पहन रही हूँ, मेरे को नहीं पता गाइज। तो दिस इज द फाइनल लुक गाइज, आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय, टेक केयर, लव यू। सो गाइज मेरी ब्राइडल सीरीज की मेकअप किया है अभिजीत ने, अभिजीत शाह। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हो देन आप उसको ज़रूर ढूंढ पाओगे, मैं लिंक दे दूंगी, साथ ही मैं उसका मोबाइल नंबर भी दे दूंगी। अगर आपको भी मेकअप करवाना है बहुत ही कम रेट में, आप इससे करा सकते हो, बहुत अच्छा मेकअप करता है, बहुत टैलेंटेड है एंड बहुत अफोर्डेबल भी। तो तुम्हारा नंबर मैं यहाँ पर दे दूँगी, तुम कुछ बोलना चाहोगे? मुझे यही बोलना है कि नीलांजन नदी के साथ में काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और नीलांजन नदी का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत दिन से नीलांजन का फैन हूँ। प्लीज नीलांजन नदी का भी चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मेरे पेज इतने आप जा सकते हो और मेरे पेज को आप चेक कर सकते हो, जस्ट मतलब इतना ही। एंड तुम्हारा ब्राइडल मेकअप का स्टार्टिंग कितना से होता है? मेरा ब्राइडल का जो प्राइस है वो मेरे 8,000 से स्टार्टिंग होता है। तो गाइज आप सोच सकते हो 8,000 से स्टार्टिंग होता है।